नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा सा तेजी देखने को मिला था, लेकिन अभी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो उसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे होल्डिंग है, तो उनका ये बोलना है कि अभी ये स्टॉक में क्या करेंगे, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। उसके साथ में 200 डे का मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे सॉरी 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके खड़ा है। तो आगे हमें क्या करके चलना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद इंटरेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में कंपनी का जो रिजल्ट देखने को मिला है, 3,796 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखते हैं तो सेल्स में तो फ्लैट रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस से डिक्लाइन था, लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे तो अच्छा सा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो यहाँ पे बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेनली आपको पक्का पता चल जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। अगर आप देखेंगे मार्च के क्वार्टर में, तो यहाँ पे 59% का कंपनी टैक्स दिया है, टैक्सेशन का इशू है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स दे दिया है 59% का, और यहाँ पे टैक्स को माइनस किया है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है। तो इसकी वजह से एडवांस टैक्स यहाँ पे दे दिया, उसके बाद में यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है, जो कि 90% 90 करोड़ का था और यहाँ पे 317 है। तो ये चीज़ को आप बिफोर टैक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर में 883 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि 883 करोड़ का। उसी के साथ में अगर हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, कंपनी का जो रिजर्व देखने को मिला है, 5,551 करोड़ का कंपनी का रिजर्व देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे बोरोइंग का, तो बोरोइंग कंपनी के पास में 4,068 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, प्रमोटर के पास में 29.3% का स्टेक देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में FII के पास में 48.48% का, और DII के पास में यहाँ पे 15% का, और रिटेल पब्लिक के पास में 6.3% का यहाँ पे स्टेक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो भी होल्डिंग है, पूरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ओनली रिटेल पब्लिक के पास में ओनली 6.32% का हिस्सेदारी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत कॉन्फिडेंट देता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे सारे प्रमोटर, मतलब जहाँ पे पूरा स्टॉक, मतलब पूरा जो होल्डिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सब पैरामीटर हमें जरूर देखना है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो ये सारे पैरामीटर जरूर देख के करना है। कंपनी का अगर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो यहाँ पे 17% का कंपनी के पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट के बारे में, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, जो कि 72% का यहाँ पे डेट है, जो कि एज कम्पेयर टू अगर हम रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, तो थोड़ा सा डेट जो है यहाँ पे 4,000 करोड़ का, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, तो यहाँ पे अदर असेट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है, एज ए निफ्टी 50 कंपनी भी है, तो यहाँ पे दिग्गज कंपनी है, 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसी के साथ में स्टॉक का प्रीमियम पे अभी भी ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि 65 का PE है। और यहाँ पे ROC देखिए, 17.8% का ROC है। ये सारे पैरामीटर सुपर दिख रहा है फ्रेंड्स। और लेकिन एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जो कि स्टॉक में प्लेस परसेंटेज भी यहाँ पे 16% का देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग कितना है, जो कि 29% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू कहाँ से देखने को मिलता है, जो कि हेल्थ केयर बिजनेस में कंपनी का जो रेवेन्यू देखने को मिलता है 53% का है। और वो कंपनी का जो कैपेसिटी है, 10,261 बेड्स का कंपनी का कैपेसिटी है। उसी के साथ में 71 फैसिलिटीज इंडिया में है, एंड ओवरसीज में भी देखने को मिलता है। और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी का हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे चेन्नई में है, हैदराबाद में, काफ़ी सारे मेट्रो सिटी में कंपनी का यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलता है। और कंपनी का यहाँ पे जो रेवेन्यू हमने देखा, 53% का हेल्थ केयर यूनिट से आता है। बाकी यहाँ पे जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 41% का कंपनी का रेवेन्यू फार्मेसी बिजनेस से भी आता है। ये भी एक बहुत बढ़िया, मैंने देखा हूँ कि अपोलो फार्मेसी जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस को फैलाया हुआ है, जो कि 3,800 आउटलेट्स हमें देखने को मिलता है, जो कि 400 सिटी से है, सिटी में,
जो कि ये एक जबरदस्त तरीके से एक अच्छा सा बिजनेस है। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे हेल्थ केयर एंड लाइफ स्टाइल से, तो यहाँ पे 6% का रेवेन्यू देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस चीज को अगर हम जाके यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे फ्रेंड्स, चार्ट में क्या टारगेट देखने को मिलता है यहाँ पे जरूर हम देखेंगे फ्रेंड्स। काफी दिन पहले यहाँ पे स्टॉक में जब गिरावट हुआ था, मैंने तो अभी भी आपको बोला था कि स्टॉक कंपनी का फंडामेंटल अभी स्ट्रांग है, तो अभी भी मैं वही चीज बताना चाहूंगा, अभी बिल्कुल फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुआ है, फंडामेंटल पे कोई इशू नहीं है। लेकिन मार्केट में थोड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो कि 2 दिन से निफ्टी में आपने देखा है, तो आज के दिन में भी एक भारी करेक्शन निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास में होल्डिंग अपर लेवल पे है, तो आपको इमिडिएटली यहाँ पे निकलना नहीं है, लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग अभी भी है। उसका RSI के बारे में बात अगर करेंगे, तो इसका जो RSI अभी 39 के पास में आ चुका है, ठीक है। अगर हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे बेयरिश नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको निकलना है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल इस लेवल तक रुकना चाहिए। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को बंद कर देता हूँ, क्योंकि किसी भी ये जो स्टॉक होता है ना, यहाँ पे जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे ये सब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। निकलने का अपॉर्चुनिटी कब है? जहाँ पे आपको स्टॉक मोमेंटम में रहेगा, 20 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में चलेगा, और 50 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर चलेगा, उसके नीचे 100 डे का मूविंग एवरेज रहेगा, उसके नीचे 200 डे का मूविंग एवरेज रहेगा। ऐसे सिक्वेंस में जब स्टॉक आ जाएगा, तो उसी टाइम पे मोमेंटम में जब होगा, तब उस टाइम पे निकलना है। ये पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है? यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आपको निकलना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ये होल्डिंग है, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल सीधा सीधा स्टॉक में इस लेवल तक आप लेके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे पता है कंपनी एक जबरदस्त तरीके से आपका प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। सीधा सीधा आप इसी लेवल तक रखिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस लेवल तक आप लेके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे लेवल फिर से मैं नोट कर लेता हूँ, जो कि देखिए 4968 का टारगेट तक आप लेके पहला यहाँ पे रख सकते हैं। 4968 आपका टारगेट पहला टारगेट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ टारगेट तक आप लेके चल सकते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी है, और इस बेसिस पे मुझे लगता है ये टारगेट आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव हो सकता है, क्योंकि ये सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है। अगर आप पहले देखेंगे, यहाँ पे सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, ये चीज़ है ना, वॉल्यूम पे यहाँ पे दर्शाता है स्टॉक यहाँ तक जबरदस्त तरीके से मूव हो सकता है। लेकिन अभी हुआ था, लेकिन मार्केट की सिनेरियो की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आ गया, तो वीक वाली आ गया, तो यहाँ पे गिरावट हो गया। लेकिन यहाँ से और कितना परसेंटेज का बचा हुआ था? ओनली 6-7% का गेन बचा हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट के बारे में फ्रेंड्स, आप यहाँ तक का टारगेट भी ये रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ये टारगेट भी आपका अचीव हो सकता है, तो आपको ये टारगेट तक भी ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कोई कंपनी कोई बुरा नहीं है। आपको यहाँ पे लॉस बुक करने का कोई रीजन भी नहीं बनता है, ठीक है। 5830 तक भी आप लेके चल सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया टारगेट है। तो ये टारगेट भी आपका है, 1 साल के अंदर अंदर अचीव हो सकता है। आप क्यों लॉस बुक करेंगे? आप जो लॉस बुक करने की बात कर रहे हैं, तो इतना बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, तो आपको निकलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5830 तक का, यहाँ पे जो गेन परसेंटेज यहाँ पे है, 44% का गेन का परसेंटेज है, तो आप यहाँ तक का होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 साल के अंदर अंदर आपका टारगेट देखने को मिल सकता है, वो 1 साल से पहले भी मिल सकता है। मार्केट में जब तेजी आएगा ना फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता है, ठीक है, विद इन 1 मंथ में भी 50% का स्टॉक में भी मूवमेंट आ जाता है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ को सोच समझ के रहना है। और यहाँ पे हमें क्या बात करना है, आगे जाके हम टिकर टिप में देखेंगे एनालिस्ट का क्या व्यू है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे से स्टॉक को चूज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला वीडियो में आ जाइए। तो यहाँ पे जो बिगनर स्टॉक मार्केट वाला वीडियो है, 24 वीडियो है, ये वीडियो को जरूर आप देखिए, अच्छे से स्टॉक पिक कर सकते हैं, कैसे आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे कम्प्लीटली समझाया हुआ है। और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, ये वाला स्टॉक को भी जरूर आप देखिए, वीडियो देख के अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, आपका स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया से नॉलेज गेन हो सकता है। और गलत स्टॉक में आपको गलत जगह पे एंट्री लेके फिर लॉस, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब इतना बड़ा बड़ा नुकसान होता है, जब मेरे पास कोई आता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। अपना पोर्टफोलियो 50 लाख का रहेगा, तो उसमें 20 लाख पूरा 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 वहाँ पे लॉस होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को आपको सिलेक्ट करने का एक ये होना चाहिए, कौन सा स्टॉक लेना है अपना पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक ऐसा नहीं है कि मैं आपको जेपी पावर को पेनी स्टॉक बोल दूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ पे कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहेगा, ठीक है, और कंपनी का जब मार्केट कैप अगर 1000 के अबव होता है, वहाँ पे वो पेनी स्टॉक को हम नहीं बोल सकते हैं। कंपनी का बिजनेस एक सस्टेनेबल बिजनेस के साथ में रहेगा, कंपनी का सेल्स बढ़िया चल रहा होगा, लॉस नहीं होगा, तो ये चीज़ अगर है ना, तो उसको हम पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते हैं। बल्कि स्टॉक का प्राइस लो है, लेकिन पेनी स्टॉक हम नहीं बोल सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम टिकर टिप में आ जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और क्वालिटी में बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ स्टोरी स्टॉक है, तो उसी के साथ में लार्ज कैप स्टॉक भी है। और यहाँ पे अगर उन एनालिस्ट का हम व्यू देखते हैं तो यहाँ पे 96% का एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग का कॉल दे रहे हैं। और यहाँ पे जो टारगेट देखने को मिल रहा है 24 एनालिस्ट यहाँ पे बाइंग का कॉल दे रहे हैं जो कि 96% का है। तो यहाँ पे जो बाइंग का कॉल दे रहे हैं यहाँ पे इनका टारगेट निकल करके आ रहा है 5266 है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर मैंने जैसे चार्ट पे बताया तो उसी हिसाब से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपको जैसे सही लगता है तो अपना हिसाब से आप वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप सेफर साइड में कंसिडर करना चाहते हैं तो ये वाला टारगेट को भी लेके चल सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।